हेलो बच्चा लोग, की हाल चाल, कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है एक टॉपिक यहाँ से एक स्टार्ट करेंगे, कुछ अलग है हटके, यानी कि मैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हमने यहाँ पे पढ़ेंगे उसको हम यहाँ पर कुछ अलग से एक टॉपिक आज समझेंगे। एक रूल है उसको समझेंगे, और उन दोनों को समझने के बाद इस पूरे चैप्टर के तीन टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक टॉपिक है हमारा बायोसेवर्ट का नियम, ठीक है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, और थंब रूल, यानी कि राइट हैंड थंब रूल, ये क्या है इसको समझा जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा एक है लॉरेंट्स फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर और डायनामो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको चलो छोड़ते हैं अभी के लिए, तो फिलहाल हम यानी कि अब इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, काफी चीजें हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या पढ़ाना है, क्या हम लोग को समझना है यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक मिनट जरा देख ले, वो तुम लोगों का ऑन है। ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, चल में क्या हुआ था, सन 1777 की बात है। डेनमार्क के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑर्स्टेड, यानी कि क्या नाम था, ऑर्स्टेड। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1820 में, यानी कि डेनमार्क के थे साइंटिस्ट, और उन्होंने 1820 में क्या किया, इन्होंने एक चीज समझी कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, यानी कि कोई एक करंट जिसको कैरी कर रहा है, एक वायर है, एक सर्किट है पूरा, अगर उस सर्किट के पास हम कभी भी कोई भी कंपास लेके जा रहे हैं, अगर उसमें करंट फ्लो हो रही है और हम कंपास उसके पास लेके जा रहे हैं, तो एक्चुअल में वो कंपास जो है फ्लैक्चुएशन शो करता है, यानी कि इधर से उधर घूम रहा होगा। अब वो फ्लैक्चुएशन के बेसिस पे, उसके आधार पर उन्होंने कुछ चीजें बताई, ठीक है, तो वो क्या चीजें थी, चलिए देखते हैं। एक्चुअल में क्या है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा हमारा कुछ इस तरह होगा। तो इन्होंने क्या, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू मैग्नेटिक बिहेवियर बताया, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड बताई। अब क्या था, पहले चलो हम सर्किट की बात करते हैं। मैंने एक सर्किट बनाया, ठीक है, इस सर्किट में हम की लगा दे रहे, भाई अब इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट करेगा ही ना, इसमें क्या है, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है, सर्किट बनाना तो कुछ चीजें इसमें ऐड ऑन कर देते हैं। अब यहां पर क्या है, मैंने पॉजिटिव टर्मिनल इधर दिखाया और निगेटिव टर्मिनल इधर दिखाया, ठीक है, ओके। और आप सभी को मालूम है कि जो लंबा वाला टर्मिनल होता है वही पॉजिटिव होता है, छोटा वाला जो है वो हमारा निगेटिव टर्म होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है। और आपको ये भी बच्चे मालूम है कि जो करंट हमारी निकलती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और निगेटिव टर्मिनल की तरफ आती है, तो इसका मतलब है यहाँ पर करंट जो है वो इस तरह से निकल रही होगी, ऐसे निकल रही होगी और ऐसे निकल रही होगी, ठीक है। तो अगर यहां पर अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे, तो यहां पर जब वो मैग्नेटिक कंपास आया, तो एक्चुअल में ये मैग्नेटिक कंपास है और इस कंपास की एक नीडल है, ठीक है, ये चारों डायरेक्शन बना दे रहे, ठीक है। अब जो ये कंपास है वो इस साइड घूम रहा था, यानी कि इस साइड, ठीक है। जब उन्होंने दूसरा सर्किट बना, मतलब देखा, दूसरी प्रकार से देखा, उन्होंने ये देखा कि सेम सर्किट यही है और इसमें बस टर्मिनल चेंज कर दिया, यानी कि द करंट फ्लो ऑफ करंट जो है वो इन्होंने चेंज कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल इधर लगाया, निगेटिव इधर लगाया, इसका मतलब अब जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रही होगी वो इधर से हो रही होगी, ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में, ये क्या घड़ी की दिशा में है, ठीक है। अब क्या है, यहां पर जब उन्होंने देखा तो एक्चुअल में ये जो मूव कर रहा था वो दिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था कंपास, यानी कि इस डायरेक्शन में फ्लैक्चुएट हो रहा होगा, ऐसे 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 ऐसे, और इधर ऐसे ऐसे हो रहा होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकला कि एक्चुअल में कंपास के आने में उसका फ्लैक्चुएशन होने का मतलब सिंपली ये है बच्चे, कि इसका मतलब है यहाँ पर पक्का ना पक्का जब भी किसी सर्किट या क्लोज लूप में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, यानी कि करंट फ्लो करती है, तो पक्का ना पक्का वो मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप्ड करती होगी, तभी तो कंपास क्या है फ्लैक्चुएट हो रहा है, नॉर्थ और साउथ या जो भी डायरेक्शन में। कंपास फ्लैक्चुएट कब करता है, जब मैग्नेटिक फील्ड में आता है ना,
तो इसका मतलब पक्का ना पक्का अगर किसी सर्किट में हम जाएंगे, वहां पर सर्किट के की को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, जब ऑन हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, तब कंपास लेके आए तो देखा कि वो फ्लैक्चुएट हो रहा है, ठीक है। जब की बंद कर दी, करंट फ्लो नहीं हो रही, तो फ्लैक्चुएट होना बंद कर दिया। इसका मतलब करंट ऑन होने पे ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, दैट इज वाई ये जो कंपास है वो फ्लैक्चुएट हो रहा है। दूसरा, जब ये जो करंट की डायरेक्शन है वो जिस डायरेक्शन में है, देखो जो निडल है उस तरफ मूव कर रही है, यानी कि ये ऐसे जा रहा है तो निडल भी तो ऐसे ही मूव कर रही है, और जब ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है तो निडल इस तरफ फ्लैक्चुएट कर रही है। इसका मतलब सिंपल ये भी है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डिपेंड करती है किस पे, किस पे, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय वो फील्ड को हिंदी, चुंबकीय क्षेत्र है, वो परिमाण और धारा की दिशा दोनों पे ही डिपेंड करता है। इसका मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज देंगे, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, उतना ही ज्यादा ये भी फ्लैक्चुएट होगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही ज्यादा इंड्यूस्ड होगी। ओके, जस्ट क्लियर टू ऑल, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब यहां पे देखते हैं, कुछ चीजें और समझते हैं। और पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चली तुम लोगों की? अच्छा हाँ, नेक्स्ट वीक से यानी कि संडे को किसी भी हाल में करके, बच्चा टाइम नहीं मिल रहा है, क्या करूं मैं। संडे को तुम लोग को ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज ही काफी चीजें हम पढ़ा देंगे, तो उसके लिए बेफिक्र रहो। इलेक्ट्रिसिटी जो है, सॉरी मैग्नेटिज्म जो है, संडे को खत्म कर देंगे। जैसे संडे को खत्म करेंगे, बायो तुम लोग का इधर उधर चलता रहेगा, और तुम लोग का क्वेश्चन पेपर लगाना स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है, यानी कि रिवीजन, ठीक। ओके चलो, अब यहाँ पे कुछ चीजें और बताते हैं। अब यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, अब क्या है सुधा, एक्चुअल में करंट में मैग्नेटिक फील्ड का एक और कैरेक्टर देखा गया। क्या देखा गया सुनना, मान लो कि एक शीट लगा दी, ठीक है, कार्डबोर्ड की वुडन शीट या कुछ भी लगा दिया, उसमें क्या है, वायर यहां से निकाला और इसको ऐसे रखा, ठीक है। जैसे ही वायर निकाला, यहाँ पे सेल की निगेटिव है, ये सेल का पॉजिटिव है, इसको ऐसे कनेक्ट किया, ठीक। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं, यहाँ रियोस्टेट लगा दिया रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, ये सब सारी चीजें। दूसरा हमने ये देखा कि ये हमने फिर से ऐसे ही बनाया, ठीक है, बस इसमें क्या है, टर्मिनल चेंज कर दिए। देखो टर्मिनल चेंज होने से ही बहुत सारी बातें बदल जाएंगी, जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, कैसे अभी चलो उसको देखेंगे, ठीक है। क्या हुआ, ऐसा हमने एक स्ट्रक्चर बनाया कि एक कार्डबोर्ड या वुडन बोर्ड लिया, उसमें करंट ऐसे मतलब रेजिस्टेंस रियोस्टेट लगाया, उसके बाद यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। हम लोग क्या है, आयरन डस्ट लेके आए, यानी कि आयरन का चूरा होता है, चूर होता है आयरन का, लोहे का, उसको क्या है, इस पे रखा, यहां पर भी रखा, ठीक है। अब आपको भी मालूम है कि यहां पर करंट जो है कुछ ऐसी निकलेगी भाई, सिंपल सी बात है, यहां पे करंट कुछ ऐसे निकलेगी, ठीक है, ठीक, बात समझ रहे हो। अब यहां पर क्या है, एक्चुअल में अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर जैसे ही करंट ऑन होगी, जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, यानी कि यहां पर जो लोहे का चूर है वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है, और वहां पर एक स्ट्रक्चर ऐसा बन के आएगा कि जब उसको पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। ये कैसा दिख रहा है मैं बता रही हूं, ये ऐसा दिखा, और इसमें जब डायरेक्शन को देखोगे तो कुछ ऐसा बनते हुए दिखेगा, ठीक है, इसमें भी वही चूड़ा ऐसे ऐसे इसको बनेगा, और जब इसमें डायरेक्शन देखोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अच्छा सुनो, पता क्या चला, एक्चुअल में जब भी करंट किसी भी कंडक्टर या किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर से पास होती है, अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर करंट ऊपर की तरफ है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो बच्चा याद रखना उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज होगी। कैसी होगी, एंटी क्लॉक, देखो उल्टा ही तो घूम रहा है, घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में तो घूम रहा है, ठीक है। अगर कि
स्टेट पाथ कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिसिटी डाउनवर्ड है, वो नीचे की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड है, तो इसमें जो है तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी वो क्लॉकवाइज होगी। ठीक है ना भाई, समझ रहे हो कि नहीं? अभी इसी को आगे लेके बहुत सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है? तो ये याद रखना, मतलब इतना कुछ है नहीं, बस इतना ये मेन चीज याद रखो, बस ये और ये, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, व्हेन करंट एंड वायर फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज एट एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी तुम्हारी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो कैसी होंगी हमारी, एंटी क्लॉकवाइज। और जब करंट का फ्लो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ होगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऑलवेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, बस इतना सा याद रखो काफी है, ठीक है ना? जब ऊपर की तरफ जाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज, अब ऐसे सोचो ऐसे गई ऐसे घूम गई, नीचे आई ऐसे घूम गई, तो ये क्या क्लॉकवाइज है? बाद देखो हाथ ऐसे घुमा लेना, ठीक है? चलो आगे पहुंचे। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीजें, देखो बहुत ज्यादा अंदर इसमें चैप्टर में इतना घुसने की जरूरत नहीं है, बस जितनी चीजें बताते जा रहा उसको अच्छे से तैयार करते चलो, बस आपका सारा फंडा अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आजकल पता नहीं क्या हो गया, मेरा वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा, नजर लग जाती है, लगा ज्यादा दिन बना दो, सोचो बना देंगे तो नहीं बना पाते। तुम लोग भी वो मैसेज ही कर दिया करो, मेरे अंदर थोड़ा सा दम आ जाए हैं, मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है, डाउन हो जाता है। डाउन को क्या करना है, पॉजिटिव करना होगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें क्या है, याद कर लिया करो थोड़ा। चलो अच्छा आगे की बात करते हैं, मजाक कर रहे थे, अब एक बात करते हैं। क्या होता है, जैसे हम लोगों ने मैग्नेट की प्रॉपर्टी समझी है कि मैग्नेट को अगर हम लोग फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो अपने आप नॉर्थ और साउथ में रुक जाता है, ठीक है? उसी तरह से अगर हम किसी कॉइल में जिसमें कि करंट फ्लो हो रही है, अगर उसको हमने ऐसे टांग दिया, ठीक है ना, और उसके पास अगर वो क्या होगा, तो याद रखना इसका जो कॉइल होता है, कॉइल का मतलब ये कॉइल है, ठीक है, कुंडलिनी हिंदी में बोलते हैं कुंडलिनी, इसका क्या है, जैसे कंपास नीडल में एक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होता है, इस कुंडलिनी का भी एक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन हो जाता है अपने आप, यानी कि एक जो एंड होगा वो साउथ होगा तो दूसरा नॉर्थ होगा, ठीक है? कभी साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ नहीं होता। अब ये कैसे होगा, बस इसी को ही समझना है, ठीक है ना? इसका मतलब जब भी किसी कॉइल में अगर इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है, प्रोड्यूस होती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करती है, उसके अंदर एक पोलैरिटी आ जाती है। पोलैरिटी का मतलब अगर एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ होगा, तो अब ये कैसे नॉर्थ और साउथ है, तो इसको जरूर याद रखना, यानी कि अगर किसी पोलैरिटी ऑफ फोर्सेस में कॉइल जो है वो डिपेंड करती है द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि कॉइल में, ये कॉइल है तुम्हारी, इसमें पोलैरिटी नॉर्थ आएगी साउथ आएगा, ये डिपेंड करेगा कॉइल की डायरेक्शन किस चीज की, अभी तो पढ़ा तुमने करंट की डायरेक्शन से तो मालूम चलेगा। तो अब इसमें कुछ चीजें जानते हैं, देखो जब भी बच्चा याद रखना, कभी किसी भी कॉइल में अगर करंट क्लॉकवाइज घूम रही है, अगर करंट क्लॉकवाइज है, कौन घूम रही है, करंट, तो याद रखना ये हमेशा साउथ पोल होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक? रुको डस्टर का। और अगर किसी भी कंडक्टिंग कॉइल में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉक कौन घूम रहा है, कौन घूम रहा है, आई, आई का मतलब करंट, तो ये हमेशा क्या होता है, नॉर्थ, और नॉर्थ को एम से नहीं लिखते यहां पे, ये ऐसे बनाया जाता है, ठीक है? बात समझे, समझ गए कि नहीं? तो ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल होता है। आप देखो इसको कैसे समझोगे, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, जिसको कुंडलिनी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सोलेनोइड। क्या है सोलेनोइड, उसको इसको समझ गए कि नहीं, यानी कि कॉइल को ये जो ये दिखा रहे हैं, इसका एक सिरा तुमको अभी अभी दिखेगा, अभी दिखाएंगे पता चलेगा, और दूसरा सिरा क्या है, ये अभी देखो कैसे, ठीक है? यानी कि अगर करंट क्लॉकवाइज घूम रही है तो वो साउथ है, सिंपल सिंपल, और जब नॉर्थ एंटी क्लॉक घूम रही है तो वो नॉर्थ डायरेक्शन है। रुको देखे वायर, और वो मैंने रखा तो था, अब तो याद भी नहीं कहा है, रुको जस्ट अ मिनट। कोई बात नहीं, छोटा सा ये मेरी वॉच का वो है, वायर है, बट कोई नहीं,
ठीक है, इसी से काम चलाता है। देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनोइड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी सोलेनोइड में है जिसमें कि करंट बह रही है, कुंडलिनी में, कुंडलिनी बोलते हैं ठीक है, सोलेनोइड, अब इसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होती है इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी अगर लोहे की रॉड को उसमें इंसुलेटेड हमने कोई भी वायर लगा दिया, ऐसे घुमा दिया, लपेट दिया उसमें ठीक है, और उसको क्या है हमने बैटरी से अगर कनेक्ट कर दिया ठीक है, इसको क्या किया हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो ये एक सोलेनोइड की तरह वर्क करता है ठीक है। ये कुंजी है कि करंट भाई पॉजिटिव टर्मिनल ये है ठीक है ना, तो करंट यहीं से फ्लो होगी ठीक बच्चा, और इधर से आएगी, इधर से गई, ये गई, ये आई, ये गई, देखो पीछे की तरफ है ना वायर, तो ये गई, देखो एरो देखो एकदम सही बनाया है मैंने, समझ रहे हो ना, ये गई और ये आई ठीक। अब चलो इसको देखते हैं ठीक है। अब इसमें देखो यानी कि ये एक खोखला लोहे का रॉड है, खोखला हो अंदर से ठीक है। अब इसमें क्या है ना वायर लपेटा, देखो दिख रहा है, यहां से शुरू किया ये, अब चलेगा भी नहीं, चलो अच्छा यहां से शुरू किया ये देखो ठीक है ना, ये समझाने के लिए है ठीक है, बस इतना ही समझ लो अभी के लिए। अब देखो क्या है, ये ऐसा दिख रहा है करंट फ्लो की थी यहां से, अब यहां से देखो पीछे की तरफ वाला बैंड दिखा रहे थे, पीछे नीचे की तरफ गई और यहां से क्या है इधर से आई। अच्छा अब इसको अगर फिर से एक बार बनाए तब बहुत ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा इसका सिरा निकाल देते हैं, चलो यहां से कनेक्ट किया तो करंट यहां पे अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि ये जो वाला एंड होगा यहां पर जो कॉइल होगी वो करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में ठीक है ना, और इधर से जाते जाते अगर यहां पे देखोगे इसको ऐसे देखना, इसको इधर से इमेजिन करना ठीक है। अब कैसे बता रहे, इधर से अगर देख रहे हो इसका, इस सीधे से देख रहे हो तुम लोग, ये कुछ ऐसा है, ये यहां से करंट गई, करंट जाने के बाद क्या है यहां पे, ये इसके ऊपर से गई ठीक है, इसके ऊपर से गई ये ऐसे ठीक। तो अब यहां पे अगर देख रहे हो तुम लोग तो यहां पर इसका ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा रहा है, अरे देखो बहुत ध्यान से देखना, ये देखो उल्टा ही तो जा रहा है एंटी क्लॉक, देखो इसको करंट अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है ऊपर की तरफ, अब इधर से ऊपर की तरफ में इधर से नहीं चलेंगे, इधर से देखो ये गई इधर से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये कौन सा पोल होगा, नॉर्थ। अब इधर से देख लो करंट नीचे की तरफ आ रही है, देखो अब इसको कैसे दिखाते हैं, करंट नीचे की तरफ आ रही है, अगर इधर से देखो करंट यहीं से तो आ रही होगी ऐसे नीचे की तरफ, ये देखो अब इसका ये सिरा है, करंट ये नीचे की तरफ तो इधर से आ रही होगी, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए ये कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल। इज दिस क्लियर टू ऑल, अब समझ में आ गया ठीक है। तो अब ये समझ में आया कि नॉर्थ और साउथ पोल कैसे होगा, तो सुनना, सोलेनोइड क्या होता है, खोखला वो होता है, मतलब कोई भी क्या कहते हैं कॉइल में भी क्या है, किसी भी इंसुलेटर कंडक्टिंग वायर में अगर उसको क्लोजली रैप्ड कर दे आइसोलेटेड कॉपर वायर से तो वो सोलेनोइड बन जाता है, इसको की से कनेक्ट किया है ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब इसमें क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, ये सोलेनोइड है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, यानी कि अगर इसके अंदर कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लाएंगे, इस खोखली रॉड के अंदर कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस उसके अंदर डालेंगे तो वो एक्चुअल में क्या है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, यानी कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी यहां से जा रही है तो वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी कोई भी अगर लोहे की चीज हम लाएंगे तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये कब तक, जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ठीक है ना। तो इसी मैग्नेट को ही एक्चुअल में सोलेनोइड से ही जो मैग्नेट बनता है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब है जब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तब तक ही इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, और जो इलेक्ट्रो मैग्नेट होते हैं इनको इसके पावर को हम घटा बढ़ा सकते हैं जितनी हमें यूज हो, यानी कि ज्यादा करंट फ्लो करवाएंगे तो वो ज्यादा हाई पावर वाला क्या हो जाएगा मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा ठीक है। तो आप पढ़ लोगे ना ठीक है। अच्छा याद रखना इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इसके अंदर की तरफ वो हमेशा सोलेनोइड में
यूनिफॉर्म होती है, यानी कि एक जैसी होती है। ठीक है, अब कैसे होती है चलो ये देखते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसमें इतनी रामायण नहीं पढ़ा रही, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ लेना। देखो ये सोलेनॉइड है तुम्हारा, ठीक है, तो मैं मालूम है ये नॉर्थ है ये साउथ है। ठीक है, इसमें कॉइल हमने ऐसे से डाल दी डायरेक्शन, तुमको डायरेक्शन भी मालूम है बच्चे, तो इतना ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं, बस ये बैटरी याद रखना किधर से जा रही है। ठीक, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ और साउथ चेंज हो जाएगा, ये भी समझ में आ गया। अब याद रखना तुम लोग को मैंने पढ़ाया था कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती वो हमेशा नॉर्थ से किधर की तरफ जाती है, साउथ की तरफ। तो नॉर्थ से निकली साउथ की तरफ गई, नॉर्थ से निकली साउथ की तरफ गई, नॉर्थ से निकली साउथ की तरफ गई, नॉर्थ से निकली साउथ की तरफ गई। ठीक, अब ये भी जा रही होंगी, ठीक आ रही होंगी। ठीक, अब लेकिन अंदर अगर देखोगे तो ये तुम्हें क्या है, यूनिफॉर्म नेचर की दिखेगी। तो इस चीज को, इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट ऑफ द सोलेनोइड लार्जर, यानी कि याद रखना जितना हम लोग करंट को इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। जितना हाई वोल्टेज देंगे जितना ज्यादा करंट पास होगी, जितना ज्यादा मात्रा की करंट क्वांटिटी मैग्नीट्यूड की करंट पास होगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। दूसरा, जितने नंबर ऑफ कॉइल्स जो रिंग ऐसे से चढ़ी हुई है वो जितने नंबर ऑफ कॉइल्स कॉइल्स को मैं इनसे लिख सकते हो उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होगी। ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, उसके बाद बस ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा कोर पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह की सब्सटेंस को यूज किया गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है समझ गए, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टाइप ऑफ मैग्नेट विच इज प्रोड्यूस बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी करंट के थ्रू जो मैग्नेट बन बिहेव करने लगता है, एज अ सब्सटेंस जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ठीक है ना, और जब जैसे करंट करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा वैसे ही उसका मैग्नेटिक बिहेवियर डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना आजकल इलेक्ट्रिक बेल जो होती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही एग्जांपल है। ठीक है ना, तो ये सारी एप्लीकेशन थोड़ी बहुत देख लेना, एक अलार्म्स होते हैं वो सब जो है इसी का ही एग्जांपल है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया? ठीक, अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको जरा पढ़ा दे तुम लोग को, राइट हैंड थंब रूल। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल वो अलग है। ठीक है ना, देखो ये सारी चीजें याद रखना। ठीक है, देखो राइट हैंड थंब रूल अलग है, थंब का मतलब अंगूठा, और राइट हैंड, देखो राइट हैंड थंब रूल अलग है बट राइट हैंड रूल अलग है। हैंड है थंब है, दोनों में ही कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्या लिखा है इस चीज को अच्छे से समझना। ठीक है, तो यहाँ पे रुको, हम किसी चीज का वायर ले ले तब तुम लोगों को समझा। रुको, आई हैव, ओके दिस वन, क्या है इसको बहुत अच्छे से समझो। एक्चुअल में क्या है, अगर हम राइट हैंड थंब रूल की बात करें, रूल को एक और रूल भी कहते हैं, बताएंगे आगे। ठीक है, हिंदी में बोले तो क्या कहेंगे, राइट हैंड थंब रूल को अगर हम बोले नॉर्मली तो इसको बोलते हैं दाएं अंगूठे का नियम, ना दाएं अंगूठे का नियम। ठीक है, दाया हाथ का नियम नहीं है, अंगूठा है, दाया अंगूठे का नियम। ठीक है, अब क्या है सुनो, इसमें क्या इन्होंने बोला कि ये जो रूल है एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है अराउंड अ करंट उसको बताता है। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, आपको करंट की डायरेक्शन तो ऑलरेडी मालूम है, तो ये जो फोर्स उस पर लग रही है उसको बताता है, इसके साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड को बताता है कि किधर की तरफ होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, ऐसा हमने करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर लिया, मैं ये है स्विच है, इसको यहाँ पे लगाया, तो आपको भी मालूम है यहाँ पे हम किसी भी चीज को कनेक्ट कर रहे हैं तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। अब इन्होंने बोला कि अपने राइट हैंड की आप उसको ऐसे पकड़ो कि यहां पर जो वायर है उसको ऐसे पकड़ो, करंट कैरिंग वायर जिसमें थंब जो हो वो इलेक्ट्रिसिटी की करंट की डायरेक्शन को बताए, और आपको भी मालूम है कि यहां से अगर मैंने कनेक्ट किया है तो करंट ऊपर की तरफ जाएगी,
तो जाहिर सी बात है मुझे इधर से ही राइट हैंड पकड़ना, क्योंकि ये जो अंगूठा है वो आपको करंट की फ्लो की डायरेक्शन बता रहा हूँ, ऊपर की तरफ तो करंट जा रही है। तो उन्होंने ये बताया कि एक्चुअल में जो थंब होता है वो करंट की डायरेक्शन को बताता है, और ये जो बाकी की चार फिंगर्स होती हैं ये जिस डायरेक्शन में मुड़ती हैं ये उस मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि करंट कैरिंग वायर जो है, एक मिनट, करंट कैरिंग थंब रूल और इस राइट हैंड थंब रूल की अगर हम बात करें तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में इस रूल को एक और नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी के लिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये राइट हैंड रूल नहीं है, ये राइट हैंड थंब रूल है। यानी कि दाएं हाथ का नियम नहीं है, दाएं अंगूठे का नियम है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है। इसका नाम एक और होता है जिसको बोलता है मैक्सवेल के पेज का नियम, ठीक है ना। अब सुनो है क्या, एक्चुअल में क्या है, इन्होंने बोला कि अगर आपको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अगर पता लगाना है तो इस रूल को हम, वो वैलिड होगा, हम इस रूल की हेल्प से पता लगा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड एंड द लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि फोर्स जो लग रही है उसको भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो द करंट कैरिंग अगर बात करें तो यहां पर इन्होंने बोला कि जैसे इमेजिन करो कि तुमने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को पकड़ा है, ठीक है, मैंने इमेजिन किया। अब अगर यहां से देखोगे तो सोचो ये स्विच बोर्ड है और यहाँ पे मैंने प्लग को लगाया और यहाँ पे मान लो मेरा फोन चार्ज हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर देखोगे तो करंट यहां से ऐसे जा रही है, तो अपने हाथ के अंगूठे को, दाएं हाथ के अंगूठे को इस तरह से होल्ड करो, अपने हाथ को इस तरह से पकड़ो कि जो अंगूठा हो वो करंट की डायरेक्शन को ही इंडिकेट करे। तो बिल्कुल हमें पता है कि करंट अपवर्ड डायरेक्शन में इधर ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक, मैंने ऐसे इसको पकड़ा कि अंगूठा क्या है, करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर जो बाकी के अंगुलियां हैं चार, वो उसके मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, ठीक है। यानी कि ये जो अंगूठा है, थंब है, वो हमारी करंट की डायरेक्शन को बताता है, बाकी की जो चार फिंगर्स है वो जिस तरफ मुड़ती हैं, ऑब्वियस बात है इसको ऐसे तो मोड़ नहीं दोगे, तो ये जिस डायरेक्शन में मुड़ती हैं वो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। यानी कि ये कुछ ऐसा था, यहां पर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में थी, ठीक, ऊपर की तरफ जा रही थी, हमने क्या किया, ये अंगूठा ऐसे लिया था, और मेरी बाकी की फिंगर अगर देख रहे हो तो वो इस डायरेक्शन में थी, ठीक है ना, ऐसे ही तो था। तो ये जो अंगूठे इस डायरेक्शन में थी, इसका मतलब ये इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। और अगर इसको देखोगे तो ये एंटी क्लॉक वाइज है, कैसा है, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक। दूसरा, करंट भाई स्विच हमने यहां से लगा दिया, दोनों तरह से मालूम हो जाए, तो अब यहां पर करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि मुझे अब हाथ ऐसे ना पकड़ के मुझे करंट के डायरेक्शन में अंगूठा दिखाना है, तो ये ऐसे मैंने पकड़ा। अब अंगूठा करंट के डायरेक्शन को दिखा रहा है, भाई नीचे की तरफ तो करंट जा रही है, यहां से मैंने लगाया है तो नीचे की तरफ जा रही है। अब ये जो फिंगर्स हैं, ये चार, ये जिस डायरेक्शन में मुड़ती हैं, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस दिशा में घूम रही होंगी। तो ये अगर तुम्हें दिख रहा है घड़ी की डायरेक्शन है, कैसी है बताओ, ये ऐसे है, अब ये कैसे है घड़ी के डायरेक्शन में, ये देखो, ये ठीक है ना, ये ऐसे है, अरे भाई ये क्लॉक वाइज घूम रहा है ना, ये ऐसे है, ठीक है ना। तो ये कैसा घूम रहा है, क्लॉक वाइज, ठीक है ना, ये कैसा घूम रहा है, क्लॉक वाइज। अब ये अगर इसको ऐसे होल्ड करके देखोगे, देखो खुद ही देखो ना, ऐसे पकड़ा है, तो ये कैसा जा रहा है, ये ऐसे जा रहा, तो बस इसको ऐसे डिनोट करो एरो को, तो ये क्लॉकवाइज है। अब अगर इधर से देखोगे, इधर से होल्ड करोगे, तो ये इधर की तरफ जा रहा है, यानी कि जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो तुमने अपना हाथ अंगूठा ऐसे दिखाया, ठीक। अब ये जो है ये इस तरफ घूम रहा है, तो ये जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा ना, और ये क्या है बताओ, जल्दी बताओ, ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है। अच्छा अब इसको ध्यान से देखना, रुको यार, ये देखो, एक मिनट,
ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब घड़ी क्या इस डायरेक्शन में घूमती है, तो ये कैसा हो गया क्लॉक वाइज, ठीक है ना। ठीक है हाँ, याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो बताया था कि लोहे का चूर्ण लिया, लोहे का चूर्ण लिया तो जब करंट देखो नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाती है तो क्लॉक वाइज होती है, जब वो करंट ऊपर की तरफ जाती है तो एंटी क्लॉक वाइज होती है, सेम ही नेचर होगा भाई, कुछ बदलेगा नहीं, ठीक है ना। तो सारी चीजें कह रहे ना याद रखो, अरे ध्यान दो, हमने भी वही चीज है ना, करंट ऊपर की तरफ जा रही है, अंगूठा डायरेक्शन दिखा, अब ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसको ऐसे बनाओ, ठीक है ना। ठीक है, तो घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में ही तो घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना। कंफ्यूज आना नहीं, हम भी कंफ्यूज आ गए थे, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करो, अब मैन मैन मत करना, या फिर मैन वुमेन सबकी बात कर रहे हैं, गर्ल्स बॉय सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल द थिंग्स कि ये है, ठीक है। इसके बाद इस नियम को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं मैक्सवेल के पेज का नियम, यानी कि मैक्सवेल क्या बोल देंगे, स्क्रू रूल, ठीक है, या कॉक स्क्रू रूल। अब यहाँ पे क्या है सुनना, उन्होंने भी सिंपल से ये बात बताई कि एक पेज है, मेरे पास अभी स्क्रू ड्राइवर नहीं है, तो उन्होंने कहा एक पेज ऐसा आप होल्ड करो कि जो पेज है उसकी टिप जो है उसको वायर के किसी कंडक्टिंग वायर की इस डायरेक्शन में रखो, जैसे मैंने अभी दिखाया है, मैंने स्विच ऐसे रखा और करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही, तो उस पेज को उधर की तरफ रखो जो कि मैग्नेटिक सॉरी करंट की डायरेक्शन को बताए, और फिर उसको इस तरह से घुमाओ कि वो उसकी क्या करे, डायरेक्शन को बता रहा हो। देखो अभी अपवर्ड डायरेक्शन में है, अब सिंपल सी बात है ना, उसको हम कसेंगे और टाइट कर रहे हैं, तो टाइट करना है तो इसका मतलब इसको इधर ही तो घुमा रहे हैं, तो ये कैसा घूम रहा है बताओ, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखना, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक, क्लियर। अब अगर इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको ऐसे घुमाना है, तो ये क्या होगा, इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है ना। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, और ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो इस चीज को याद रखना, ठीक है, समझ में आ गया। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जो कल की वीडियो होगी वो काफी इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज कल जो है हम लोग पढ़ेंगे बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम, नाक कान खोल कर बैठना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा चलो कुछ चीजें बता दे अच्छी अच्छी तुम लोगों को, अच्छे से तैयारी करो, थोड़ा सा अगर कोई स्ट्रेस वगैरह आ रहा है तो मेडिटेशन करो, मेडिटेशन का मतलब है कोई ब्यूटीफुल सा अच्छा सा स्लो साउंड वाला गाना सुनो, या अगर एनर्जी वाला भी सुन रहे हो तो इट्स ओके, करो, बस इतना सुनो, ये नहीं कि 4 घंटे 2 घंटे 1 घंटा सुन रहे हैं, 5 मिनट 15 मिनट अपने आप को दो, अपने माइंड को फ्री रखो, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और बाकी के जो फालतू की चीजें हैं उनको जरा दूर रखना, फालतू की चीजें हैं मतलब फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन होने का, अगर आपको इतना डिस्ट्रैक्ट होना ही है तो उससे अच्छा है कि मन नहीं है किताबें पढ़ने का, तो तुम एक काम करो, कोई अच्छी सी स्टोरी वाली किताब उठा लो, लेकिन हाँ स्टोरी वाली में एक दिक्कत ये आती है कि अगर जब तक खत्म नहीं होती ना तब तक चैन नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये सब ना ही करना तो ही अच्छा है। कोई मतलब बाहर चले गए घूमने, थोड़ा सा गेम खेल लिया, ऐसे अपने माइंड को रिलैक्स करना भी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और अच्छे से नींद भी लो, अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। जितने लोग सुबह पढ़ के, सुबह पढ़ना अगर पसंद करते हैं तो बिल्कुल पढ़ो, क्योंकि सुबह का पढ़ा हुआ बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, जिनको रात में पढ़ने की आदत है वो जैसा जिसकी कैपेसिटी है, जिस हिसाब से इंसान कहते हैं ना बैलेंस्ड है, हिसाब से अपना करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। और हाँ, संडे को ये हम खत्म कर देंगे, किसी भी तरह से कोशिश यही है कि कर देंगे, और फिर उसके बाद हम लोग रिवीजन पाएंगे, बाकी चैप्टर अपना छोटे छोटे जो बायो के हैं वो चलते रहेंगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।